हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अभी रात को 8 बज रहे हैं और माशाल्लाह तबारकअल्लाह देखिए, बिन बरसात के मौसम के बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की हो रही है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। तो दिखाते हुए लेकर के चलते हैं, आप लोग भी देखिए हल्की फुल्की बारिश। ये देख सकते हैं रोड, ये देखिए पूरा रोड देखिए हल्का हल्का भीग रहा है, देख सकते हैं। देखिए इधर भी देख सकते हैं, और ये जैसा कि साहिल होटल है, काफ़ी ज़बरदस्त बहुत ही फेमस है, धोबी तालाब पर साहिल होटल। और ये रास्ता सीधे चला गया है दीवान साहब की तरफ, देख सकते हैं बारिश एकदम हो रही है ज़बरदस्त यार, देख रहे हैं बिन मौसम के ही बारिश हो रही है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बारिश में घूमते हैं और इंजॉय करते हैं, बारिश की मज़ा लेते हैं। चल कहाँ क्यों भीगत है, भीगत है। और ये देख लीजिए भिवंडी की काफी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, और रास्ते वगैरह देखिए कितने ब्यूटीफुल है। ये रास्ते ऐसे है ना कि अगर जो कोई गाड़ी जा रही है, या टू व्हीलर हो गई या फोर व्हीलर हो गई, एक भी पत्थर जो है ना अगर झटक के किसी को लगे ना तो सख्त पक्का है कि फूट जाएगा। ये देखिए रास्ते, और काफ़ी लोग अस्पताल में जा चुके हैं, पट्टी मलहम पट्टी करवा चुके हैं इस रास्ते की वजह से, क्योंकि जब ऐसे गिट्टी वाले जो रास्ते होते हैं ना, छोटी छोटी कंकड़ गिट्टियाँ होती है, तो उस पर जब टायर पड़ता है ना साइड से, तो गिट्टी बहुत तेज उड़ती है और उड़ने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त चोट। और ये देखिए दीवार था रास्ते की, ये पूरी मार्केट है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और बारिश भी देखिए हल्की हल्की पड़ती चली जा रही है। और ये सामने आप देख सकते हैं दीवान सा दरगाह जो कि काफ़ी खूबसूरत सा देखिए नज़ारा है। बारिश से तो और खूबसूरत सा मौसम लगता है नज़ारा है। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त बारिश, और बारिश तेज हो गई इसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। और ये दीवान साहब देखिए, ये मेन दरवाज़ा है, और ये सामने देखिए ये तो अभी देखिए बारिश हल्की सी कम हुई है, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हालांकि मैं तो बारिश में नहाता, लेकिन साथ में बच्चे लोग भी है ना, तो भाई कहीं जुकाम सर्दी जुकाम ना हो जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया। तो अभी यहाँ से हम देखिए निकल रहे हैं, और ज़्यादा कोई बारिश नहीं हुई है, हल्की बारिश हुई है। अब इतने से क्या हो गया कि अब पूरा कचड़ा कचड़ा हो जाएगा, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा मौसम हो गया। हालांकि आज सुबह से ही गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी बारिश की वजह से कुछ कुछ यहाँ पे माहौल ठीक हो चुका है। और रास्ते की कंडीशन देखिए, इतना खूबसूरत इतना प्यारा रास्ता मेरे ख्याल से आज के डेट में आपको उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलेगा। हालांकि कभी उत्तर प्रदेश रास्ते के मामले में बहुत बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में पूरे इंडिया में सबसे ज़बरदस्त जो है उत्तर प्रदेश का रास्ता मिलेगा। और ये रास्ता समरू बाग की तरफ चला गया है, और ये रास्ता आप सीधे जाएंगे हफीज नगर होते हुए देवनगर नाला पार, ये सब एरिया में निकल जाएंगे। और ये सब यहाँ की देखिए दुकानें हैं,
और ये आगे ही आपको आजमी नगर देखने को मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक शॉप है, देखिए छोटी सी, काफ़ी ज़बरदस्त। और रास्ते हर जगह पे आपको ऐसे ही मिलेंगे, कहीं थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे तो कहीं थोड़े से जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में मिल जाएंगे। और ये देखिए जलेबी, हाय हाय जलेबी। और ये सब फुटवेयर की शॉप है, छोटी छोटी बाकड़ा है, सब रोड पे ही बना हुआ है। रोड पूरा एकदम ब्लॉक है, देख लीजिए रोड कंडीशन, 2-in-1 है, आती भी है जाती भी है, बुलाती है जाने का नहीं। और ये देखिए काफ़ी अच्छा है, चलता फिरता रास्ता है, 24 आवर्स इस रास्ते पे आपको जो ऐसे ही रश मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वर्कर एरिया है। आगे ये देखिए ये नाला पार है, और नाला पार के ऊपर ये संदास बनी है। ये देखिए ये पूरा आजमी नगर, ये जितना भी ये एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा आजमी नगर आपको देख, पूरा ये आजमी नगर का एरिया है। आजमी नगर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे आजमगढ़ वालों जो है ना कुछ ज़्यादा ही हैं, इसके लिए ये आजमी नगर है। अब ये देखिए ये हम इंटर कर चुके हैं नाला पार में, ये नाला पार 1 है। अभी नाला पार 2 जब आगे जाएंगे ना, तो वहाँ से भी गटर की लाइन जो होती है वो क्रॉस करेंगे तो नाला पार 2 हो जाएगा, और ये नाला पार 1 है। यहाँ पर भी काफ़ी रश हो चुके हैं, ये जितने भी देख रहे हैं ना बहुत कम ही फैमिली वाले हैं, सब ये वर्कर लोग हैं, जितने भी ये देख रहे हैं सब वर्कर लोग हैं। और फिर भी अच्छे खासे हम लोग जीत चुके हैं। और ये देखिए मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की शॉप पे, ये मेरी मोबाइल शॉप है, और दुकान पे आ गए। और यहाँ पर भी देखिए बारिश हुई है, और बारिश थोड़ी बहुत होने से मौसम यहाँ का हो चुका है एकदम बेहतरीन, फर्स्ट क्लास ठंडा, और ठंडी ठंडी अब हवाएं भी चली है, वरना अभी अभी आधा घंटा पहले काफ़ी गर्म हवा चलती थी, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है इंशाल्लाह। और बाकी यहाँ का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया, इधर भी रास्ते गए हुए हैं, और ये होटल है, इधर भी काफ़ी जो है कि चलता फिरता रास्ता है ये सब। और रोड की कंडीशन देख लीजिए, देख सकते हैं। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करें।